प्रीमियर लीग के 17वें सीजन के बाद आईपीएल इतिहास के सबसे सफल कप्तान रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को अलविदा कह सकते हैं। मुंबई इंडियंस ने इस साल रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया है। बतौर प्लेयर रोहित शर्मा अभी तक मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अगले साल रोहित शर्मा का मुंबई इंडियंस के साथ 13 साल लंबा सफर खत्म होने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि रोहित शर्मा पर 37 साल की उम्र में कौन सी टीम दांव लगाएगी अभी तक साफ नहीं हो पाया। दरअसल अगले साल मेगा ऑक्शन होना है। हर टीम के पास सिर्फ 4 ही खिलाड़ियों को रिटेन करने का अधिकार है। इसमें 3 भारतीय और 1 विदेशी खिलाड़ी शामिल होता है। मुंबई इंडियंस कप्तान हार्दिक पांड्या के अलावा जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव को रिटेन कर सकती है। पिछली बार मुंबई इंडियंस ने 16 करोड़ की बड़ी कीमत चुकाकर रोहित शर्मा को रिटेन किया था, लेकिन अब मुंबई इंडियंस की टीम रोहित शर्मा से आगे बढ़ रही है, इसलिए रोहित शर्मा की बजाय हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है। लगातार विवाद बढ़ रहा है। हाल ही में मुंबई इंडियंस के कोच मार्क बाउचर ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाए जाने पर चुप्पी तोड़ी। उनका कहना था कि रोहित शर्मा बतौर प्लेयर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्हें प्रेशर से फ्री किया गया है। रोहित शर्मा की पत्नी रितिका को मार्क बाउचर का यह बयान रास नहीं आया और उन्होंने इंस्टाग्राम पर कमेंट करके विरोध भी दर्ज कराया। इन सभी तर्कों से साफ हो जाता है कि रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस के रास्ते अलग अलग अब पूरी तरह से तय हैं। इस साल भी ऐसी खबरें आई थी कि दिल्ली कैपिटल्स रोहित शर्मा पर दाव लगाना चाहती है, लेकिन मुंबई ने रोहित शर्मा को रिलीज फिलहाल तो नहीं किया है।